आज मैं बनाऊंगी शाही पनीर जो आप सबको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें थोड़ा सा डालेंगे रिफाइंड ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे दो कटे हुए प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियां डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। अदरक का टुकड़ा डालेंगे, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। हम डालेंगे 20 से 25 काजू और इन सबको फ्राई करेंगे। अभी हम इसमें डाल देंगे 4 कटे हुए टमाटर, इसे भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी, ढक लेंगे, उसे ढक देंगे करीब 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट ठंडा होने देंगे। इसे ग्राइंड कर लिया है और इसकी कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, डाल देंगे थोड़ा जीरा और अभी हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। तो सबसे पहले मैं डालूंगी 1 तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, 1 चक्री डाल देंगे, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, 7 काली मिर्ची। इन सबको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। हम डालेंगे ग्राइंड की हुई ग्रेवी, 1 स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे, 1 स्पून लाल पाउडर ऐड करेंगे। मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कसूरी मेथी, 1 टीस्पून डालेंगे किचन मसाला, 1 चम्मच देसी घी, डालेंगे कटा हुआ पनीर। आप कोई भी साइज़ में पनीर कट कर सकते हैं, छोटी बड़ी साइज़ जो भी आपको पसंद हो। पनीर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ पनीर, दूध की मलाई भी डाल सकते हो। शाही पनीर सब्जी हमारी बनकर तैयार है।